नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को चौथ माता की एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। एक सेठ सेठानी थे, उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज़ पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया, क्या खाया। बहू कहती, ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाया जाए, फिर देखे कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा, ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि अपन सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली, अपन जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमाकर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खूटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊँ तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लगाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना पूरी हो। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा, तू जागे कि सोए, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगड़िया बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ ने लड़के से कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ, वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उसे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊँगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेढ़ी धोई। पहली पेढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और सातवीं पेढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिए। इस प्रकार वह 7 ही पेढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेढ़ी चढ़ने लगा, पहली पेढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया पर वचनों से बंध कर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की वैसी सबकी रक्षा की जो, बोलो चौथ माता की जय। तिल चौथ की पूजा के बाद गणेश जी की आरती के साथ चौथ मैया जी की आरती जरूर करें। तो चलिए भक्तों, आरती श्रवण करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा,
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडुवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अन्नन को आँख देत कोड़िन को काया, बांजन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, सूर्य श्याम शरण आए सफल कीज सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणपति बप्पा मोरिया। अब चलिए भक्तों, सकट चौथ की आरती श्रवण करते हैं। ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमिरे, सच्चे मन से सुमिरे, सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया। ऊंचे पर्वत मंदिर शोभाति भारी, मैया शोभाति भारी। देखत रूप मनोहर, देखत रूप मनोहर, असुरन भयकारी। ओम जय श्री चौथ मैया। महासिंगार सुहावन ऊपर छत्र फिरे, मैया ऊपर छत्र फिरे। सिंह की सवारी सोहे, सिंह की सवारी सोहे, कर में खड़ग धरे। ओम जय श्री चौथ मैया। बाजत नौबत द्वारे अरुमृदंग डैरू, मैया अरुमृदंग डैरू। चौसठ जोगन नाचत, चौसठ जोगन नाचत, नृत्य करे भैरू। ओम जय श्री चौथ मैया। बड़े बड़े बलशाली तेरा ध्यान धरे, मैया तेरा ध्यान धरे। ऋषि मुनि नर देवा, ऋषि मुनि नर देवा, चरणों आन पड़े। ओम जय श्री चौथ मैया। चौथ मैया जी की आरती जो कोई सुहागन गावे, मैया जो कोई सुहागन गावे। बढ़त सुहाग की लाली, बढ़त सुहाग की लाली, सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री चौथ मैया, ओम जय श्री चौथ मैया। बोलो श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमिरे, सच्चे मन से सुमिरे, सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया। बोलो चौथ मैया की जय। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।